ट्रेलर को उस दिन मैंने जो दिया ना, मुझे लगा था गुस्सा मारने वाला था मैं उस दिन। क्या बात करता है तू यार, ऐसे मोमेंट में आके सारा तुम लोग आके मुझके हमारे दोस्त मरी है, तुम कैमरा से ले ये साला कुछ नहीं हुई है तो वो बाहर भी आई है तो आप खुश हैं सर, हैप्पी हैं सर? तुम भी नहीं बात काम नहीं करोगे don't really want answers. You don't. There are no answers. There are pretenders who claim to have answers. Papa. And they tell I was in possession of the virtues that people flaunt. दोस्तों, बॉलीवुड की भट्ट फैमिली आए दिन सुर्खियों में बनी रहती है। तो अब महेश भट्ट आए दिन किसी न किसी एक्ट्रेस के साथ अपनी फोटो वायरल होने की वजह से लाइमलाइट में बने ही रहते हैं। वैसे तो दोस्तों, महेश भट्ट थोड़े आशिक मिजाज के इंसान हैं, इसलिए महेश भट्ट ने हर जनरेशन की एक्ट्रेस को भी डेट किया है और अक्सर इन सभी एक्ट्रेसेस के साथ उनके फोटोज या वीडियोस भी वायरल होती रहती हैं। वो चाहे परवीन बाबी हो, जिया खान हो या फिर दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती हो। और आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको महेश भट्ट की काली करतूतों के बारे में ही बताने वाले हैं। दोस्तों, महेश भट्ट के माता पिता ने सारी उम्र शादी नहीं की थी और महेश भट्ट के पिता हिंदू और माँ मुस्लिम थी और महेश भट्ट को इन सब से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वेल, महेश भट्ट ने हमेशा ही कहा है कि वो अपने माता पिता से दूर ही रहे हैं। तो वहीं अपने कॉलेज के दिनों में महेश भट्ट लॉरेन ब्राइट नाम की महिला के प्यार में पड़ गए थे और उन्होंने उनसे शादी भी कर ली थी, लेकिन शादी के बाद उन्होंने उनका नाम बदल कर किरण रख दिया था। वेल, इस कपल के दो बच्चे भी हैं, पूजा भट्ट और राहुल भट्ट, लेकिन महेश भट्ट के आशिक मिजाज के चलते उनका यह रिश्ता टूट गया क्योंकि महेश भट्ट शादीशुदा होते हुए भी एक्ट्रेस परवीन बाबी को डेट कर रहे थे और एक्ट्रेस परवीन बाबी भी महेश भट्ट से बेइंतहा मोहब्बत करने लग गई थी और महेश भट्ट की इन हरकतों से परेशान होकर किरण ने उनसे तलाक ले लिया था। लेकिन कुछ ही वक्त बाद महेश भट्ट ने एक इंटरव्यू में कहा कि एक्ट्रेस परवीन बाबी डिप्रेशन का शिकार हैं और तभी खबरें आईं कि परवीन बाबी ने सुसाइड कर लिया है, जिसके बाद मीडिया में महेश भट्ट का नाम काफ़ी ज़्यादा उछाला गया। लेकिन फिर भी महेश भट्ट ने अपनी हरकतों को नहीं बदला और कुछ ही वक्त में उन्होंने सोनी राजदान से शादी कर ली, साथ उन्होंने उनसे बेइंतहा मोहब्बत भी की और सोनी राजदान से शादी करने के लिए उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन भी कर लिया। मतलब इस कपल की दो बेटियां हैं, आलिया भट्ट और शाहीन भट्ट। आपको बता दें कि महेश भट्ट यहां भी नहीं रुके, वो अक्सर ही बॉलीवुड में आए दिन कोई ना कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट कर ही देते हैं और हद तो तब हो गई जब महेश भट्ट ने अपनी ही बेटी पूजा भट्ट के साथ एक मैगजीन के कवर पेज के लिए लिपलॉक वाला फोटोशूट करवाया और उसके बाद मीडिया में ये बयान तक दे डाला कि अगर पूजा भट्ट उनकी बेटी ना होती तो महेश भट्ट उनसे भी शादी कर लेते, जिसके बाद बॉलीवुड में काफ़ी हंगामा मचा था और ये तक कहा जाने लगा था कि एक्ट्रेस आलिया भट्ट सोनी राजदान और महेश भट्ट की नहीं बल्कि पूजा भट्ट और महेश भट्ट की बेटी है। वेल, सिलसिला यही नहीं रुका, महेश भट्ट ने हर जनरेशन की एक्ट्रेस को डेट किया है, जिसमें जिया खान, दिगांगना सिंह और एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती का नाम भी शामिल है। सबसे पहले बात करते हैं एक्ट्रेस जिया खान की। एक्ट्रेस जिया खान और महेश भट्ट की वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई, जिसमें कहा जा रहा था कि दोनों ही एक दूसरे को डेट कर रहे थे, लेकिन कुछ वक्त बाद ही जिया खान के सुसाइड की खबरों ने सबको हिला कर रख दिया। इस केस को परवीन बाबी के केस से भी जोड़ा जाने लगा, लेकिन बाद में इस केस में सूरज पंचोली का नाम सामने आ गया, जिसके बाद से एक्टर सूरज का करियर बिल्कुल ही फ्लॉप हो गया। इसके बाद एक्ट्रेस दिगांगना और महेश भट्ट की भी कई सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिन्हें काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट भी मिली और अब हाल ही में एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती के साथ भी महेश भट्ट का नाम जोड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि महेश भट्ट और रिया चक्रवर्ती की कुछ क्लोज फोटोज़ को देखकर ये लगता है कि वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। तो वहीं कई बार एक्ट्रेस रिया को महेश भट्ट की तारीफ करते हुए भी देखा गया है। वहीं हाल ही में सुशांत के केस में भी रिया ने मीडिया से कहा था कि महेश भट्ट ने रिया को पहले ही बता दिया था कि उनको सुशांत सिंह राजपूत में परवीन बाबी जैसे सिम्टम्स दिख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, महेश भट्ट ने एक्ट्रेस रिया से पहले ही ये बात बता दी थी कि सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेस हैं
और वो जल्दी ही कोई ना कोई गलत कदम भी उठा सकते हैं। और रिया ने ये तक मीडिया को बता दिया था कि महेश भट्ट ने उन्हें सुशांत से दूर रहने की सलाह भी दी है। तो दोस्तों देखा आपने कि किस तरीके से महेश भट्ट अपनी काली करतूतों को लेकर अक्सर ही बॉलीवुड में कॉन्ट्रोवर्सीज का हिस्सा बने रहते हैं। और अब एक बार फिर से सुशांत सिंह राजपूत के केस में महेश भट्ट का नाम जुड़ता ही जा रहा है। वेल, आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताइए कि इस पर आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है, क्या महेश भट्ट सुशांत सिंह राजपूत के केस से जुड़े हुए हैं या फिर नहीं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी और साथ ही सुशांत सिंह राजपूत के केस से जुड़ी ऐसी ही खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।